हेलो दोस्तों, पॉइंटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कितने सेशन किए और कहां कहां किए, उन सब के बारे में मैं आपको यहां पर डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, यहां पर सेशंस मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि दोस्तों ये सेशंस बहुत सारी जगह हम ढूंढते हैं, हमें मिलते नहीं हैं। तो मैंने दोस्तों ये मैंने अपने नोट्स से जो जो भी कंटेंट उठाया है ये मेरे नोट्स में से उठाया है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी अगर आपको ऐड करना होता है या कुछ गलत हो जाता है तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ सही बता सकता हूँ, ये मेरे नोट्स में थे और मैंने वैसे गूगल से इनको वेरीफाई किया हुआ है। तो ये सारे दोस्तों कांग्रेस के सेशन हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सेशंस ऑफ इंडियन कांग्रेस। दोस्तों पहले की तरह जैसे हम करते आए हैं, शुरू करने से पहले आपको क्या कहना है, वीडियो शेयर करनी है। तो चलिए दोस्तों सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था, थोड़ा आपको बेसिक इसमें बता दूं, तो इसको जो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था वो बनाया था दोस्तों किसने, ये बनाया था दोस्तों ए ओ ह्यूम ने, है ना। अब ए ओ ह्यूम कौन थे, ए ओ ह्यूम दोस्तों वो थे जो ये इंडियन सिविल सर्विस में थे पहले, है ना। तो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस में थे और वहाँ से जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने देखा कि जो इंडियन लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन लोगों को कोई मतलब अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो इसने सोचा कि क्यों ना इनको इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, सो दैट कि कम से कम जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा पाए, है ना। तो इसीलिए ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन किया, ठीक है दोस्तों। तो एक किसने बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम कौन था, एक ब्रिटिश सरकार का ऑफिसर था जो रिटायर था, इंडियन सिविल सर्विस का ऑफिसर था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोस्तों, ये हुआ बॉम्बे सेशन, यानी कि 1885 में पहला सेशन जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये हुआ कहाँ पर, इंडियन बॉम्बे में। अच्छा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे दोस्तों वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट सेशन लिए हैं जहाँ से कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में आता है। अभी आप देखो सारे सेशन पढ़ोगे ना आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो दोस्तों पहला जो सेशन था, जैसे कि मैंने बताया 1885 बॉम्बे सेशन हुआ था, इसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। ये कांग्रेस का पहला सेशन था। इस सेशन को दोस्तों 72 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया हुआ था, 72 मेंबर्स ने इस सेशन को अटेंड किया था। और ये कहाँ हुआ था, एग्जाम में अक्सर पूछ रहा था कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है बॉम्बे में, वहाँ पर ये सेशन को किया गया था। दोस्तों मैंने कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है बायलैंग्वल, ताकि कोई नाराज़ ना हो, है ना। जो हिंदी में पढ़ता है वो हिंदी में, जो इंग्लिश में पढ़ता है हिंदी में, इसलिए दो मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला सेशन 1885 में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था बॉम्बे में हुआ था, और उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। 72 मेंबर्स ने अटेंड किया था, ये भी एग्ज़ाम में आता है कि कितने मेंबर थे। कहाँ हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और ये पहला सेशन था कांग्रेस का। दोस्तों दूसरा सेशन जो था कांग्रेस का वो था कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन जो था दोस्तों 1886 में हुआ, यानी कि 86 में, एक साल बाद। और यहाँ पर कलकत्ता दोस्तों, तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर 436 मेंबर जो थे उन्होंने भाग लिया, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर एक हो गए थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की एक पार्टी थी, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गई थी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा कलकत्ता सेशन। फिर आता है दोस्तों मद्रास सेशन। अब मद्रास सेशन क्या था, मद्रास सेशन 1887, मद्रास सेशन हुआ एक साल बाद। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे दोस्तों सैयद बारुद्दीन तैयब जी। तो सैयद बारुद्दीन तैयब जी को यहाँ पर पहली बार एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। दोस्तों इसके पीछे भी पॉलिटिक्स थी। अब पॉलिटिक्स क्या होती कि दोस्तों यहाँ पर क्या थे कि पहले हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरह की पार्टियां बनाते थे, तो मुस्लिम्स जो भी मुस्लिम्स पार्टी थी उनको अपने साथ लाने के लिए, ताकि इनकी डिमांड ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए ना, ताकि जो भी ये डिमांड करें उस पर ज़्यादा असर, ब्रिटिश पर असर पड़े। तो इसीलिए जो भी मुस्लिम्स थे उनसे अपील की गई कि आप लोग कांग्रेस से जुड़े, ठीक है, ताकि कांग्रेस में लोग ज़्यादा हो जाए और उनकी डिमांड का इम्पैक्ट ब्रिटिश पर पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए सैयद बारुद्दीन तैयब जी को मद्रास सेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। दोस्तों हर मैंने हर वो सेशन लिया है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, तो
यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन यही आ सकता है ना कि पहली बार मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सैयद बहरुद्दीन तैयब जी। ये कौन से सेशन में थे, ये थे मद्रास सेशन में दोस्तों। उसके बाद आता है इलाहाबाद सेशन, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई दोस्तों। जॉर्ज यूल जो थे दोस्तों, ये पहले अंग्रेज़ थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, जॉर्ज यूल दोस्तों। सारे अंग्रेज़ ख़राब नहीं थे। अब आप कहोगे कि ये क्यों बना दोस्तों, जो भारतीयों के हित के लिए काम करते थे, जो समाज सेवी की कुछ लोग थे ऐसे, जो कि जिनको वाकई लगता था कि हाँ कि भारतीय लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो लोग जो थे वो भारतीय लोगों का साथ देते थे, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर जॉर्ज यूल, पहली बार कोई अंग्रेज जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना 1888 दोस्तों। अभी तक हमने चार सेशन पढ़ दिए हैं, 85, 86, 87, 88। तो आपको मैं एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ फटाफट से। 85 में दोस्तों कहाँ कौन था प्रेसिडेंट, भूमेश चंद्र बनर्जी था दोस्तों, हमने कहा था। दूसरा 86 में दोस्तों दादा भाई नेहरू जी थे, ये भी हमने पढ़ा। 87 में जो हुआ था मद्रास सेशन दोस्तों, यहाँ पर कुछ नई चीज़ हुई थी, मैंने कहा था सैयद बाबरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद दोस्तों फिर इलाहाबाद सेशन हुआ, जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जॉर्ज यूल जो थे पहले अंग्रेज जो थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है दोस्तों। फिर आता है कलकत्ता सेशन। देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, वहाँ पर 86 में कलकत्ता सेशन था, फिर 96 में कलकत्ता आ गया, यानी कि कितने साल का गैप हुआ, 10 साल का। ध्यान रखिए यहाँ 10 साल का गैप हुआ, फिर एक और आएगा 1906 में, फिर से 10 साल का गैप हो गया। तो ये 10-10 साल के गैप में हो रहा है, बाद में थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर 11 में आएगा, 1911 में आएगा। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना, पहला 86 में आया था, दूसरा 96 में आया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये भी कलकत्ता सेशन है, यहाँ क्या हुआ इस सेशन में, यहाँ राम मनोहर सैयानी जी, आरएम सैयानी जी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया दोस्तों। यहाँ फिर एक और चीज़ नहीं हुई कि पहली बार जो है जो राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, एक तो नेशनल एंथम है और दोस्तों एक है नेशनल सॉन्ग, तो यहाँ पर पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया, ठीक है। नेशनल सॉन्ग कौन सा दोस्तों, वंदे मातरम को गाया गया, किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। तो यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नेशनल वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, ये गया था 1896 में। कहाँ पर गाया गया, कलकत्ता सेशन में ही गाया गया था। और दोस्तों ये जो वंदे मातरम है ये कहां से लिया गया, ये बकिम चंद्र की जो किताब थी आनंद मठ, उसमें एक कविता थी, वहां से दोस्तों ये जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वहां से ये उठाया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम कहां से लिया है, किन की किताब से लिया गया है, या आनंद मठ जो किताब हो किन के द्वारा लिखी गई है, बकिम चंद्र बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है बनारस सेशन दोस्तों। बनारस सेशन हर सेशन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। और दोस्तों 1905 में आपको पता होगा, हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हो, तो यहाँ पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया था ब्रिटिश द्वारा, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा दोस्तों तब मैं आपको समझाऊंगा कि बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश का क्या कारण था, बंगाल क्योंकि ये कारण था दोस्तों, क्योंकि बंगाल विभाजन वो बस हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए ही करना चाह रहे थे। तो ब्रिटिश ने बंगाल विभाजन करे जिसके लिए पूरे देश में दोस्तों बहुत हालात खराब हो चुके थे। तो इस विभाजन के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए, अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए एक सेशन हुआ था जो कि बनारस सेशन हुआ था दोस्तों। यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे वो यहां पर बनारस सेशन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बंगाल विभाजन कर दिया गया, अब थोड़ा मतलब अब हलचल होनी शुरू हो जाएगी भारतीयों में, देखिए कैसे। फिर अगला जो सेशन हुआ दोस्तों 1906, ये जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों दादा भाई नेहरू जी जो थे उनको फिर से प्रेसिडेंट बनाया गया। मैंने कहा था ना कलकत्ता सेशन 1906, कलकत्ता सेशन मैंने कहा था 1996 में पढ़ाया था, एक आपको पढ़ाया था कौन सा 86 वाला, फिर से दादा भाई नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों मॉडरेट्स और जो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट, उन दोनों में थोड़े भेदभाव होने शुरू हो गए दोस्तों। मॉडरेट्स क्या होते हैं, मॉडरेट्स जो होते हैं वो नॉन वायलेंस वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्यार से बात करके अपना काम निकाल लें। और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं दोस्तों वो थोड़े गर्म दल थे, वो थोड़े भयंकर थे दोस्तों। ये बोलते हैं लाल बाल पाल, एक होता है लाल, ठीक है, एक होता है बाल, एक होता है पाल दोस्तों। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ये तीन जो थे दोस्तों, ये तीन जो थे वो मॉडरेट्स के काफ़ी अच्छे नेता थे दोस्तों। यहाँ मॉडरेट सॉरी एक्सट्रीमिस्ट के नेता थे दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो अभी हुआ क्या कि मॉडरेट्स जो थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, इनकी बातें आपस में जुड़ती नहीं थी। तो हुआ क्या कि
जब अभी 1907 जो सेशन आएगा उसमें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि मॉडरेट्स का कोई एक नेता नहीं था, अगर मॉडरेट्स का कोई सॉरी एक्सट्रीमिस्ट का कोई एक नेता नहीं था, अगर एक्सट्रीमिस्ट का कोई एक मेन लीडर होता तो शायद कांग्रेस के जो मॉडरेट्स थे उनसे ऊपर एक्सट्रीमिस्ट होते, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के जो आइडिया थी वो नए ज़माने के आइडियाज़ थे, उनका सब कुछ नया नया था, वो चाहते थे कि हम लड़ाई लड़के ही जीत पाएंगे, लेकिन ये जो एक मॉडरेट्स लोग थे ये चाहिए चाहते थे कि नहीं हम बिना लड़ाई के भी जीत लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सेशन में क्या हुआ, दोनों के बीच में बात हुई, तो क्या हुआ जो मैंने कहा था एक तो मॉडरेट्स थे और एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम सेशन तभी आएंगे जब हमारी डिमांडें पूरी रखी जाएंगी, तो उन्होंने चार डिमांड रखी, ये जो चारों डिमांड थी तो ये एक्सट्रीमिस्ट की वजह से तरह से थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं कि अपनी सरकार चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मॉडरेट्स ने बाद में क्या किया, इस सेल्फ गवर्नमेंट को ब्रिटिश के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट कर दिया, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम बाइकॉट मूवमेंट चलाएं, ठीक है, और वो चाहते हैं स्वदेशी मूवमेंट चलाएं, वो चाहते थे नेशनल एजुकेशन सिस्टम अपना हो। तो ये दोस्तों ये चार रेजोल्यूशन जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से थे, मॉडरेट्स ने ये चार रेजोल्यूशन मान तो लिए लेकिन कैसे माने, बिल्कुल टूटे हुए दिल से, वो नहीं चाहते थे कि हम इनके एग्रेसिव तरीके को अपनाएं, लेकिन अब क्या करें, उनको एक साथ तो पार्टी को जोड़ के रखना था, अब वो क्या करें, ना चाहते हुए भी उनको ये सब कुछ करना पड़ा। और इस सेशन की खास बात यह थी कि यहाँ पर चार रेजोल्यूशन पास किए गए और ये चारों रेजोल्यूशन किसके कहने से हुआ, एक्सट्रीमिस्ट के कहने से हुआ, और ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स को इनको मानना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं मानते तो फिर मॉडरेट्स अलग हो जाते और दिक्कत हो जाती। फिर क्या हुआ, चलो फिर दोस्तों अगला क्या हुआ, यहाँ पर हाँ स्वराज का पहली बार यहाँ पर नाम लिया गया था, ताकि क्योंकि मॉडरेट्स जो थे ना वो अपने तरह से काम करना करते थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों की बात कम मानते थे, तो एक्सट्रीमिस्ट का मन रखने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्वराज की बात भी कही थी, क्योंकि स्वराज की बात तो कहते थे कौन, वो कहते थे एक्सट्रीमिस्ट, है ना, मॉडरेट्स नहीं कहते थे। तो पहली बार जो स्वराज शब्द का इस्तेमाल था वो किया गया दोस्तों कलकत्ता सेशन 1906 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों कलकत्ता सेशन 1906 बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था, उसके बाद जो गरम दल था वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो चुका था, वो चाहते थे कि किसी भी तरह हमें आज़ादी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने, मैंने कहा कि जैसे उन्होंने चार रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, और उसके बाद वो स्वराज शब्द का पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया था। और मैंने एक और चीज़ बताई कि मॉडरेट्स नहीं चाहते थे लेकिन ना चाहते हुए भी उनको ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन आखिरी में वो दिन आई गया जिस दिन का डर था दोस्तों, सूरत सेशन हुआ 1907 में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों सूरत सेशन में क्या होता है कि जो राजबिहारी घोष थे उनको बनाया जाता है क्या, प्रेसिडेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये तो मॉडरेट्स के लीडर थे ना, ये मॉडरेट्स के लीडर थे, लेकिन जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो है वो हमारे लीडर बने, है ना, लेकिन तो राजबिहारी घोष को बना दिया। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, हाँ देखो यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि द मॉडरेट्स वांटेड राजबिहारी घोष एज अ प्रेसिडेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एक्सट्रीमिस्ट वांटेड लाला लाजपत राय एज देयर प्रेसिडेंट। तो बस यहाँ पर बात उनमें खलबल मच गई और राजबिहारी घोष को ही प्रेसिडेंट माना गया, तो बस सेशन क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर टूट गए और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अब इन्होंने रास्ते बदल दिए। हम कलकत्ता सेशन 1911 में, फिर से कलकत्ता सेशन होता 1911, देखो मैंने आपको बताया था कलकत्ता सेशन पहले तो 86 में हुआ, ठीक है, फिर हुआ 96 में, फिर हुआ 1906 में, 10-10 साल का गैप हो रहा है दोस्तों, अभी तक 10-10 साल का गैप हो रहा था, लेकिन अब जाके अभी 06 में हुआ था, अब 5 साल का गैप हो रहा है, बस अब ये ध्यान रखिएगा 5 साल का गैप हो रहा है, ठीक है। तो जो कलकत्ता सेशन हुआ 1911 में दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था, बी एन दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पर नेशनल एंथम पहली बार गाया गया था, पहली बार इस सेशन में नेशनल एंथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है कि नेशनल एंथम गाया गया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रिटिश का जो प्रिंस थे, वो क्राउन प्रिंस थे, उनको अपनी क्राउनिंग सेरेमनी करनी थी, वो भारत आ रहे थे, तो उनके आने पर भारत में नेशनल एंथम गाया गया था दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुए, ठीक है, जहाँ पर कि वो जो थे कि वो ब्रिटिश वाला इंडिया में आया तो उसके लिए क्यों नेशनल एंथम गाया, तो दोस्तों ये किसी कहेंगे किसी किसी किताबों में इसको कंट्रोवर्शियल भी बताया गया है, ठीक है, लेकिन जो पहली बार गाया था वो इस सेशन में ही गाया था, कब, 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। तो दोस्तों अब लखनऊ सेशन की बात करते हैं 1916 में। अब देखो हमने अभी थोड़ा पढ़ा था कि जो 1907 में जो तो मॉडरेट्स और रेडिकल जो है वो मॉडरेट्स और रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अलग अलग हो गए थे। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है, मजुमदार जी प्रेसिडेंट थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो रीयूनियन हो गए, दोनों एक वापस आ गए, क्योंकि दोनों का काम नहीं चल रहा था, क्योंकि मॉडरेट्स भी कमजोर पड़ गई थी और एक्सट्रीमिस्ट भी चाह रहे थे कि कोई ना कोई मतलब हो कि हमें लाइन समझाने वाला, ठीक है, एक रास्ता दिखाने वाला। तो
फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया। मुस्लिम लीग दोस्तों है 1906 में फॉर्म हुआ था। इनका जो मेन मकसद था फॉर्म होने का, ये चाहते थे कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ये चाहते थे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने क्यों ज्वाइन किया दोनों ने एक दूसरे को, कारण ये था कि मुस्लिमों को सपोर्ट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, ठीक है, और कांग्रेस को काउंसिल ऑफ इंडिया में एंट्री करवानी थी। दोस्तों काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी, ये भी मैं आपको तब बताऊंगा जब इंडिया के एक्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको एक्ट्स पढ़ाऊंगा कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए क्या क्या एक्ट्स निकाले, कौन कौन से कानून बनाए। तो दोस्तों उसमें था जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसमें इंडियन लोगों को एंट्री नहीं थी। तो इंडियन, तो कांग्रेस ये भी चाहती थी कि काउंसिल ऑफ इंडियंस में इंडिया की एंट्री करवाई जाए, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपने 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 फायदे के लिए इसमें आए हुए थे। दोस्तों ये काउंसिल, इंडियन काउंसिल क्या है, एक तरह के मतलब जैसे हमारे हाउस होते हैं ना, दो मतलब ब्रिटिश सरकार में ऐसे हाउस थे, वहाँ पर इंडियन लोगों की एंट्री नहीं थी, तो उनको परमानेंट एंट्री देने के लिए यहाँ पर कांग्रेस लोग काम कर रहे थे। तो इसीलिए दोनों, ताकि दोनों आए, मुस्लिम लीग भी आया और कांग्रेस भी आया। मुस्लिम लीग चाहता था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले और कांग्रेस चाहती थी कि हमें काउंसिल में जगह मिले। तो दोस्तों दोनों एक साथ आए, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश थी बहुत चालाक, उन्होंने इंडिया को अलग थलग करने के लिए सारे उपाय किए। उन्होंने क्या 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 कहते हैं, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था बाद में, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई थी। दोस्तों ये सब आपको पढ़ाऊंगा जब हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे बहुत डिटेल से, तब मैं आपको समझाऊंगा, या फिर जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ाऊंगा आपको तब समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं कलकत्ता सेशन 1917। दोस्तों देखो, फिर अभी मैं बताया था, पहले आपको बताया था, याद रखो 86 में हुआ था पहला सेशन, हुआ था 86 में, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि 86 में सेशन हुआ था, फिर आया था दोस्तों 96 में, फिर आया था 06 में, फिर आया था 11 में, अब देखो 17 में आ गया, यानी कि 10 10 10 5 6, ठीक है, याद रखना 10 10 10 5 6। उसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर बात करते हैं, एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट जो थी पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहली वुमेन थी, ठीक है, ये एनी बेसेंट जो थी दोस्तों, ये थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इन्होंने दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट भी स्टार्ट कराया था, जो बाल गंगाधर तिलक के साथ इन्होंने बहुत सारा काम किया, होम रूल लीग मूवमेंट, जो कि मैं आपको दो चार दिन पहले कुछ क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि होम रूल लीग मूवमेंट क्या था। नहीं भी तो बाद में जब हम लोग भारत के जो पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ें समझा दूंगा। दोस्तों फिर आते हैं अहमदाबाद सेशन 1921 में जो हुआ था, अहमदाबाद सेशन, यहां पर सीआर दास थे, सीआर दास को प्रेसिडेंट चुना गया था, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, उनको उस वक्त जेल में डाल दिया गया, पुलिस पकड़ के ले गई उनको, ब्रिटिश वाले पकड़ के ले गए। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर हकीम जमाल खान को प्रेसिडेंट बना दिया गया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है मैंने, क्योंकि यहाँ पर बोलेंगे कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जो प्रेसिडेंट का नॉमिनी हो चुका था लेकिन वो जेल चले गया, तो दोस्तों ये कौन था, सीआर दास था, ठीक है, उनकी जगह किसको रहा था, हकीम जमाल खान को बनाया गया था, अहमदाबाद सेशन 1921, ठीक। अब आते हैं दोस्तों दिल्ली सेशन 1923। अब मैं दिल्ली क्यों उठाया दोस्तों, यहाँ पर मौलाना कलाम आज़ाद जो थे वो थे, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, इसीलिए मैंने ये डाला कि 1923 सेशन जो था दिल्ली में था, और यहाँ पर जो मौलाना कलाम आज़ाद थे दोस्तों, ये कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। फिर आते दोस्तों बेलग्राम सेशन। अब बेलग्राम क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो हम कन्फ्यूज में आ जाते हैं कि यार होने तो चाहिए थे, लेकिन कब थे, तो दोस्तों ये थे 1924 में बेलग्राम सेशन में, ठीक है। तो 1924 जो बेलग्राम का सेशन था, बेलग्राम कहाँ है दोस्तों, बेलग्राम कर्नाटक में है, ठीक है। तो 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में है, और यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। फिर आते हैं दोस्तों कानपुर सेशन। कानपुर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सरोजनी नायडू, जिसको बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली जो थी प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट, यानी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो थी एनी बेसेंट, ठीक है, जो बनी थी 1916-17 में, और यहाँ पर कानपुर सेशन में 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सेशन बनी, पहली बनी, वो थी सरोजनी नायडू, ठीक है, पहली इंडियन वुमेन बनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ऐसी फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिसने स्पीच दी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से, स्पीच दी थी, पहली वुमेन कौन थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से स्पीच, भाषण दिया था, ठीक है, फ्रॉम द स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऐसी कौन सी वुमेन थी। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको अंत में बताऊंगा, अब तक आप ढूंढिए कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों हम अगले में, यहाँ से हमने कहाँ तक पढ़ा, 25 तक, फिर आते हैं दोस्तों 28 तक, फिर 28 में फिर से कलकत्ता सेशन आ गया, 70 के बाद
1917 के बाद 1928 में आ गया, यानी कि 11 साल बाद। तो देखिए दोस्तों, 5 और 6 को जोड़ के 11 होता है। तो 5 कहाँ था, मैं आपको बताया था कि 5 कहाँ गैप आया था, और फिर से देखो कहाँ पर आ गया। मैंने कहा था 1906 के बाद 1911 में हुआ था, 1911 के बाद 1917 में हुआ, तो 5 और 6 का गैप ये हो गया, और 5 और 6 मिला के होता है 11, तो 28 में आ गया। फिर से देखो, तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कलकत्ता सेशन कैसे कैसे, क्योंकि ज़्यादातर कलकत्ता सेशन ही है। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन किसने किया था, कहाँ किया था। दोस्तों लाहौर, ये जो था कलकत्ता सेशन था 1928 में, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों यूथ कांग्रेस का फॉर्मेशन। फिर आते हैं दोस्तों लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री में, हम बचपन से पढ़ते आए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रेसिडेंट थे। ध्यान रखना, इससे पहले 28 में इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, लेकिन 28 में, फिर 29 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला कि 1929 में एक रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन के तहत, उस कानून के तहत, ठीक है, क्या हुआ कि यह सहमति बने कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद यहां से बोला कि हम पूर्ण आजाद हो चुके हैं, ठीक है। पूर्ण आजादी के बाद इन्होंने कही थी कि हम 26 जनवरी 1930 से ये मानने लगे थे कि हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। और यहां पर ये पहली बार लाहौर सेशन 1929 में ये बात निकली थी, और 30 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों इसीलिए क्वेश्चन आता है ना कि हम बोलते हैं कि हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, तो क्योंकि हम तो बोलते हैं कि संविधान तो हमारा एक महीने पहले बन गया था, तो एक मैंने वेट क्यों किया, तो इसीलिए वेट किया था कि 26 जनवरी को हमारा ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, इसीलिए 26 जनवरी को ही क्या मनाया गया, रिपब्लिक डे को भी मनाया गया। तो दोस्तों यहां पर पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। यह रेजोल्यूशन 1929 लाहौर सेशन में पास किया गया था, और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दोस्तों कराची सेशन की बात करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार यहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे। दोस्तों देखो, हर नेता प्रेसिडेंट बनाया कहने कैसे ना, तो यहाँ पर क्या था, जो गांधी इरविन पैक्ट जो दोस्तों साइन हुआ था, जैसे आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को गांधी ने लेटर भेजता था इरविन को, ठीक है, कि इतने पॉइंट्स हमारे मानने हैं। और दोस्तों वहाँ पर ये भी बात हुई थी कि हमारे सारे कैदी को रिलीज़ कर दोगे तो हम कहते हैं जो आयोग जो समय जो यहाँ पर सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट है उसको बंद कर देंगे, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर जो डिस्कशन की बात थी वो भगत सिंह के फांसी से रिलेटेड भी कुछ बातें हुई थी दोस्तों, जो कि हम जानते हैं इतिहास में कि कुछ लोग हम पढ़ा है कि हमने कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को हम जेल से रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर, तो उन बातों पे यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था, है ना। तो आगे जाते हैं दोस्तों, ये भगत सिंह थे, राजगुरु थे, और यहाँ पर सुखदेव सिंह थे, इनकी फांसी पर भी यहाँ पर चर्चा होनी थी दोस्तों। ये कराची सेशन था, इसलिए मैंने इसको उठाया है ताकि थोड़ा बहुत आपको पता चले। दोस्तों अगला सेशन है फैजपुर सेशन। दोस्तों ये फैजपुर जो सेशन है, ये पहला सेशन था जो पहली बार गांव में हुआ। तो दोस्तों ऐसे भी एग्जाम आता है कि पहला सेशन जो गांव में कहाँ हुआ था, तो फैजपुर हुआ था दोस्तों 1937 में, और दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर अगला ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है नोट कि दिल्ली सेशन 1932 और कलकत्ता सेशन 1933 को बैन कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, उसके बाद देश का माहौल बहुत ख़राब हो गया था, तो दोस्तों यानी कि सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट दोबारा से चालू हो गया था, तो दोस्तों ब्रिटिश ने इनको बैन कर दिया था कि ये सेशन बिल्कुल भी नहीं होंगे, इसलिए ये दो सेशन को बैन कर दिया गया था। फिर आते हैं दोस्तों हरिपुर सेशन। दोस्तों हरिपुरा सेशन, ये हरिपुर नहीं है दोस्तों, हरिपुरा है यहाँ, ये हरिपुरा सेशन है, और ये हरिपुरा सेशन 1938 दोस्तों, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, और उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन की सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमीशन NPC की फॉर्मेशन हुआ था हरिपुरा 1938 में। हरिपुरा कहाँ है दोस्तों, ये हरिपुरा गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। अगला सेशन है दोस्तों हमारे पास त्रिपुरी सेशन 1939। यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको प्रेसिडेंट चुना गया था, लेकिन गांधी जी भी वहाँ पर थे, तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि एक जो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि गांधी जी ने साफ कहा था कि कांग्रेस में हिंसा की कोई जगह नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हिंसक थे, ठीक है, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, तो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस में हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, और गांधी जी उनकी जगह, गांधी जी जो क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस की जगह वो
पत्ता भी सीतारमैया जी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनवाना चाहते थे, लेकिन फिर सुभाष की गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर इसकी कोई जगह नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस को, जो पार्टी ने तो सुभाष चंद्र बोस को चुना था, लेकिन गांधी जी पत्ता भी सीतारमैया जी को बनाना चाहते थे, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, उस वक्त कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था और कौन से सेशन में दिया था, तो दोस्तों त्रिपुरी सेशन में दिया था, और गांधी जी ने उनसे कहा था कि यहाँ पर हिंसा की कोई जगह नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक पार्टी का फॉर्मेशन किया था, कौन सी पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो दोस्तों ये था फॉरवर्ड ब्लॉक, तो 1939 तक हम सेशन पढ़ चुके हैं। दोस्तों अगला सेशन होता है 1946 में, दोस्तों यहां पर 1946 में मेरठ सेशन होता है, यहां पर जे बी कृपलानी जी जो थे दोस्तों 1946 में प्रेसिडेंट बने थे, आचार्य जे बी कृपलानी जी, और यहां पर ये आजादी से पहले का आखिरी सेशन था, इंडिपेंडेंस से पहले का। और दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद एक सेशन हुआ कांग्रेस का, वहां पर प्रेसिडेंट थे पत्ता भी सीतारमैया, यानी कि वही सीतारमैया हैं ये जो जिनको 1939 में गांधी जी बनाना चाहते थे, और ये कांग्रेस का लास्ट सेशन था, यानी कि आज़ादी के बाद जयपुर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जहां पर पत्ता भी सीतारमैया प्रेसिडेंट थे, ये कांग्रेस का आखिरी सेशन था। तो दोस्तों ये थे हमारे कांग्रेस के सेशन, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था हमारा कि वो पहली महिला कौन थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से पहली बार स्पीच दी थी। तो दोस्तों अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थी कादम्बिनी गांगुली जी थी, ये महिला कादम्बिनी गांगुली थी, और इन्होंने कलकत्ता सेशन में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से स्पीच दी थी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सारे सेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको मिल गए होंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर इन नोट्स में आपको कुछ तृप्ति मिलती है तो कृपया कमेंट में जरूर बताइए, सो देट हम उसको सुधार सकें। दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद।